ओके गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज रामाश्री राय। वेलकम एट कैप्टन बत्रा क्लासेस। तो गाइस, आज के इस वीडियोस में आपका जो लेक्चर वन है, लेक्चर सेकंड है। और गाइस, आज के इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको सेवन वर्ड्स डिस्कस करूंगा। एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश का हमेशा एक रूटीन रहता है मेरे क्लास का, कि हमेशा हम वर्ड्स को 5 से 7 लगभग वर्ड्स को हमेशा प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इन 7 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि गाइस, आप सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इन वर्ड्स का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन वर्ड्स को आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। जैसे मैं कहूँ आप वैसे ही करिए, अपने आप आपको ये महसूस होगा कि यू आर इन क्लास रूम। आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। यू विल फील दैट आई एम टीचिंग यू इन साइड द क्लास, राइट। तो इन वर्ड्स को जैसे हम लर्न क्लास में करते हैं, जैसे हम क्लास में लर्न करवाते हैं, ठीक वैसे ही आपको ये वर्ड्स लर्न करने होंगे, ठीक। तो चलिए, अब पहला वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, ये वर्ड है क्लैश, राइट। क्या वर्ड है? क्लैश। तो इन वर्ड्स को आप मेरे साथ रिपीट भी करेंगे, जब मैं बोलूंगा तो आप भी बोलेंगे, जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी बार आप बोलेंगे, और जैसा मैं कह रहा हूं एकदम आप वैसा ही करिए। आई एम 100% श्योर कि आपको बोलते बोलते सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे क्लैश मीन्स कोलिजन, बोलिए मेरे साथ, क्लैश मीन्स कोलिजन, क्लैश मीन्स कोलिजन। गाइज बोलिए, बिल्कुल डोंट बी शाई। स्पोकन इंग्लिश अगर आप चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ अ गुड स्पीकर, गाइज सबसे जरूरी चीज है ओपन योर माउथ। जब तक आप अपने मुंह को खोलेंगे नहीं, अपने मुंह को खोलेंगे नहीं, जब तक आप बोलने का एफर्ट नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, आपको अंग्रेजी जल्दी नहीं आएगी बोलना, राइट। तो जैसे मैं बोलता हूं एकदम वैसे ही बोलिए आप। तो बोलिए क्या लिखा हुआ है? क्लैश, क्लैश मीन्स कोलिजन। फिर से बोलिए, कोलिजन, क्लैश मीन्स कोलिजन। कोलिजन मीन्स क्या होता है हिंदी में? भिड़ंत या टक्कर। मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ये मान लीजिए कि इधर साइड से, राइट, ये भी रोड है, तो इधर से मान लीजिए एक क्या आ रही है, ट्रक आ रही है, और इधर साइड से कोई कार आ रही है, राइट। जब ट्रक और कार आपस में टकरा जाते हैं, भिड़ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि देयर वॉज अ क्लैश बिटवीन ट्रक एंड कार। बोलिए मेरे साथ, देयर वॉज अ क्लैश बिटवीन ट्रक एंड कार, क्लियर। अब देखिए, मैं आपको इसी वर्ड के साथ 2-4 बातें और बता देता हूं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए एक ही समय पर, राइट, मान लीजिए कि एक ही समय पर एक ही क्लासरूम में मैंने भी क्लास को बुला लिया और हमारे केसी सर ने भी क्लास को बुला लिया, राइट। तो जाहिर सी बात है कि सेम टाइम पे सेम क्लास में 2 टीचर 2 क्लास के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो कोई बच्चा आके कहेगा, सर द क्लास इज क्लैशिंग। अब देखिए इन वर्ड का कितना अच्छे से यूज होगा, सर द क्लास इज क्लैशिंग। ध्यान से सुनिएगा, इसको अपनी कॉपी में भी नोट करते चलिएगा, द क्लास इज क्लैशिंग, राइट। जहां जरूरत समझ में आए वीडियो को पॉज करके आप लिखते चलिए, राइट। आपका मुंह मींस आपका मुंह और हाथ दोनों साथ में चलना चाहिए, देन यू विल बी अ गुड स्पीकर, राइट। अब फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे कभी कभी लड़ाई होती है आपस में, समटाइम्स लोग आपस में लड़ते हैं, तो क्यों लड़ते हैं? क्योंकि ये होता है क्लैश ऑफ थॉट्स, विचारों का भिड़ंत होना, राइट। तो इस तरीके से जब आप वर्ड को सेंटेंस में बना लेंगे तो यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल विद द वर्ड्स, फिर वर्ड्स के साथ एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, राइट। तो आई एम क्वाइट श्योर कि एक वर्ड तो यार कंप्लीट ही हो गया, राइट। इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन वर्ड्स को मैं समझाऊंगा, रटवाऊंगा, और रटवाने के बाद फिर मैं एक टेस्ट भी लूंगा, राइट। उस टेस्ट पेपर को भी आपको ईमानदारी के साथ देना पड़ेगा, राइट, जैसे हमारे बच्चे हमारे क्लासरूम में टेस्ट को देते हैं, राइट। चलिए, एक वर्ड याद हो गया। क्या याद हो गया? क्लैश मीन्स कोलिजन, क्लैश मीन्स कोलिजन, क्लैश मीन्स कोलिजन। यार एकदम क्रेजी हो जाओ, क्रेजी, राइट, एकदम यू नो दैट, लर्न लाइक स्मॉल बेबी। कैसे सीखेंगे आप? एक छोटे से बच्चे की तरह। आप बिल्कुल ये भूल जाइए कि यू आर इंटरमीडिएट, यू आर ग्रेजुएट, यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, व्हाट एवर यू आर, फॉरगेट योरसेल्फ, लर्न लाइक स्मॉल बेबी, एकदम छोटे से बच्चे की तरह सीखिए आप। जैसे मैं बोलूं वैसे आप बोलिए, राइट। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड भी बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, हम लोग अक्सर यूज भी करते हैं। देखिए क्या है, स्नैच।
उच्चारण क्या होगा? स्नैच। फिर से बोलिए स्नैच। स्नैच मीन्स क्या होता है? सीज क्विकली, सीज क्विकली। स्नैच मीन्स सीज क्विकली। फिर से बोलिए मेरे साथ, बोलिए स्नैच क्विकली, स्नैच क्विकली। तो मतलब होता है सीज क्विकली। स्नैच मीन्स क्या होगा? सीज क्विकली। स्नैच मीन्स क्या होगा? सीज क्विकली। आप बोलिए भी मेरे साथ, बिल्कुल जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप भी बोलिए, राइट? एकदम फीलिंग आएगी कि यू आर इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू आर स्टडिंग इन द क्लास, ओके? अब फिर हिंदी में क्या होगा भैया? छीनना होगा। स्नैच का डेफिनेशन क्या होगा? सीज क्विकली, सीज क्विकली। और क्या होगा हिंदी में? छीनना होगा। क्लियर? तो दूसरा भी वर्ड यार क्लियर, राइट? अब जैसे ये स्नैच वर्ड को हम लोग सेंटेंस में कैसे बनाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि आई एम इन सिविल लाइन्स, मैं सिविल लाइन्स घूम रहा हूं, समबडी स्नैच्ड माय वॉलेट, किसको ही आया मेरा वह स्नैच वॉलेट लेके चला गया। कोई महिला थी, वो अब मार्केट में जा रही थी, किसी ने पर्स छीना और लेके भाग गया, तब वो पुलिस को रिपोर्ट कैसे करेगी? सर एक्चुअली समबडी स्नैच्ड माय पर्स, किसी महिला का चेन छीन के कोई भागा, तो क्या कहेगी महिला? सर एक्चुअली समबडी हैज स्नैच्ड माय चेन, कोई मेरा चेन छीन के भाग गया, राइट? तो अब इसको हम लोग देखिए, जो छीन के भागा उसको हम लोग क्या कहेंगे? बोलिए क्या कहेंगे? चेन स्नैचर। बोलिए क्या कहेंगे? चेन स्नैचर। और अगर कहते हैं छिनैती, राइट, तो स्नैचिंग कहते हैं भाई, एस एन ए टी सी एच आई एन जी कहते हैं। इस शहर में स्नैचिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। फिर से बोलिए, आप बोलिए, यस स्नैचिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, स्नैचिंग इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। मेरे साथ बोलिए आप, रिपीट आफ्टर मी, जितना मैं बोलूं उससे ज्यादा आप बोलिए। मैं अगर 3 times बोलूं तो आप 10 times बोलिए, ऑलराइट? बिकॉज आई एम नॉट लर्निंग, यू आर लर्निंग, गेटिंग? ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। तो हम क्या बोलेंगे? स्नैच मीन्स सीज क्विकली, और चेन स्नैचर मतलब चेन छीनने वाला, स्नैचिंग मीन्स छिनैती, राइट? हम ये भी कह सकते हैं कि अ चेन स्नैचर वॉज कॉट रेड हैंडेड, अ चेन स्नैचर वॉज कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब क्या होता है? अरे भाई रंगे हाथ पकड़े जाना। जैसे ही वो छीनने की कोशिश कर रहा था तैसे ही पुलिस ने उसको क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। तो ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, ऑलराइट, ओके। तो हमारा ये दूसरा भी वर्ड वेरी मच क्लियर हो गया, राइट? चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले वर्ड को। अगला वर्ड क्या है? ये भी बहुत सिंपल वर्ड है, होमेज। होमेज मीन्स क्या होता है? ट्रिब्यूट। और हिंदी में क्या होगा? श्रद्धांजलि। जैसे आई पे माई होमेज टू आवर फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। मेरे साथ बोलिए, आई पे माई होमेज टू आवर फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। इसे हम लोग एक और तरह से भी कहते हैं, टू शो रिस्पेक्ट। क्या बोलते हैं? टू शो रिस्पेक्ट। इसका प्रयोग होमेज, ट्रिब्यूट, टू शो रिस्पेक्ट मतलब किसी को सम्मान देना, किसी को इज्जत देना, राइट? तो ये भी हमारा वर्ड, थर्ड वर्ड भी बड़े आराम से कंप्लीट हो गया, राइट? ओके, अब चलते हैं हम लोग वर्ड, ये भी है स्टंबल। स्टंबल मीन्स क्या होता है? स्टंबल मीन्स होता है मिसप्लेसिंग वन्स फुट। स्टंबल वर्ड को याद भी बड़ा आराम से कर सकते हैं, स्टैंप के बल लड़खड़ा जाना, तो स्टंबल हो गया, राइट? मिसप्लेसिंग फुट कैसे होता है? मैं मान लीजिए मैं पैर रख रहा हूं और सडनली मेरा पैर जहां, जैसे सीढ़ी से मैं उतर रहा हूं, राइट? और सीढ़ी उतरते समय मैंने जो पैर रखा और मेरा जहां रखना चाहिए, ध्यान सुनिएगा, जहां रखना चाहिए वहां नहीं पड़ा, मिसप्लेस हो गया, आई विल फेल डाउन, गेटिंग माई पॉइंट्स? तो डेफिनेटली कि स्टंबल मीन्स क्या होगा? मिसप्लेसिंग ऑफ वन्स फुट या मिसप्लेसिंग वन्स फुट। किसी पैर, किसी व्यक्ति का जब पैर जगह पे जहां पड़ना चाहिए वहां नहीं पड़ता है, उसे हम मिसप्लेसिंग बोलते हैं, राइट? तो ये भी हमारा वर्ड, जैसे ही स्टंबल्ड, While he was going in the way he stumbled, right? रास्ते में वो ठोकर खा गया, टक्कर खा गया, like that, ठीक है? चलिए, तो ये भी वर्ड याद ही हो गया। अब देखिए अगला वर्ड है, बहुत सुंदर वर्ड है, bribe। Bribe, मेरे साथ बोलिएगा। Bribe means क्या होता है? Money offered in the process of bribing। भाई money offered in the process of bribing, right? मेरे साथ बोलिए, आप लोग बोलिए, साथ में बोलिए, साथ में। Bribe means क्या होगा? Money offered in the process of bribing। फिर से बोलिए, money offered in the process of bribing। जितनी बार मैं बोलूं उतनी बार आप भी बोलिए, right? तो ये क्या होगा? रिश्वत होगा। आप जानते ही हैं आजकल बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है, right? तो हम ये कह सकते हैं यार कि maximum officers are corrupt, maximum people are corrupt, maximum people take bribe,
ऑफिसर्स टेक ब्राइब, क्लर्क्स टेक ब्राइब, एवरीवन टेक्स ब्राइब, राइट। तो ब्राइब को हम, जो ब्राइब लेता है उसे हम क्या बोलेंगे, ब्राइब टेकर, ही इज अ ब्राइब टेकर। और जो रिश्वतखोरी है उसे हम क्या बोलेंगे, ब्राइबरी बोलेंगे, कि ब्राइबरी इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, राइट। तो आई थिंक ब्राइब भी क्लियर हो गया कि ही टेक्स ब्राइब, एवरी वन टेक्स ब्राइब, लाइक दैट, ओके। अब चलिए अगला वर्ड है, ये भी बहुत प्यारा वर्ड है, चेस, फॉलो करना और परस्यू करना। देखिए चेस मीन्स क्या होता है, पीछा करना, और फॉलो भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं। फॉलो वर्ड को हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई आर्मी ऑफिसर है तो वो बोलेगा गाइज कैडेट्स फॉलो मी, क्या बोलेगा, कैडेट्स फॉलो मी। ऑफिसर अक्सर कहते हैं, बॉस अक्सर कहते हैं गाइज फॉलो मी व्हाट आई एम सेइंग, टीचर्स भी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स फॉलो मी व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो फॉलो मी। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई अगर मान लीजिए कि कोई लड़की जा रही है और कोई पीछे से पीछा कर रहा है, तो कभी कभी गर्ल्स भी बोलती हैं हे आर यू फॉलोइंग मी, लाइक हे आर यू फॉलोइंग मी, नो नो आई एम नॉट फॉलोइंग यू, यू आर फॉलोइंग मी, लाइक दैट। तो कहने मतलब फॉलो नेगेटिव में भी यूज कर लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को पॉजिटिवली ही यूज करना है, राइट। तो फॉलो मतलब होता है पीछा करना। परस्यू, देखिए कई बार हम लोग इंट्रोडक्शन में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर नाउ आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, क्या बोलते हैं, नाउ आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन सिस्टमैटिकली, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, राइट। तो हमने इसको भी यूज कर लिया, इसको भी कहना पीछा करना होता है। भाई ग्रेजुएशन हम करते हैं तो पीछा ही तो करते हैं अपनी डिग्री की, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, राइट, ओके। तो ये भी वर्ड। अब चेसिंग, मैंने पीछा भी करना होता है, हे समवन इज चेसिंग मी, हु इज चेसिंग, व्हाई आर यू चेसिंग मी, आप ऐसे बोल बोल के प्रैक्टिस करिए, फाइनली बोल करके ही अंग्रेजी बोलना आएगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है गाइस, ठीक है। अच्छा अब लास्ट वर्ड इज प्रिविलेज। प्रिविलेज मीन्स क्या होता है, अ राइट एडवांटेज बिलोंगिंग टू अ पर्सन, विशेषाधिकार। जैसे कहते हैं इट्स माई प्रिविलेज, आई कांट गो अगेंस्ट माई कॉन्शियस, मैं अपने भावनाओं अपने अंतरात्मा के खिलाफ नहीं जा सकता, इट्स माय प्रिविलेज, ये मेरा विशेषाधिकार है, राइट। तो गाइस आई एम क्वाइट श्योर कि आई डिस्कस्ड 7 वर्ड्स, और जैसे मैंने डिस्कस किया है वैसे आप भी वर्ड डिस्कस करिए, क्योंकि वर्ड जो होता है, अगर आपके पास वर्ड नहीं है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आई विल टेल यू कि भैया गन बहुत सुंदर है, मेरे पास एक गन है बहुत सुंदर है एकदम, है ना, मतलब सोफिस्टिकेटेड गन है, एकदम फैंटास्टिक गन है, आप बताइए अगर मेरे पास बुलेट नहीं है तो ये गन क्या है, बेकार है, कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है, राइट। अब बुलेट ही बहुत सुंदर हो और गनी ना हो, बुलेट बहुत सुंदर हो गनी नहीं हो, तो क्या बॉर्डर पे जाकर के सोल्जर्स गोली से मारेंगे, नहीं ना, दोनों चाहिए ना। तो वैसे ही इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड स्पीकर, राइट, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड स्पीकर यू नीड मोर एंड मोर वर्ड्स, राइट। सो गाइज इफ आई अटेंड 60 लेक्चर्स, अगर मैं 60 लेक्चर लिया, 90 लेक्चर लिया और 7-10 वर्ड्स पर डे मैं अगर डिस्कस करता गया, आप पढ़ते गए डिस्कस करते गए, तो डेफिनेटली वर्ड पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। सो गाइज इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड स्पीकर, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट एज वेल एज ऑर्डर टू, आप वर्ड्स को डेली 7, 10, 15, 20 जितना सीख सकते हैं, इट्स अप टू यू, राइट। चलिए तो आज ये वर्ड्स हो गए। अब वर्ड्स के बाद आज के सेकेंड लेक्चर में आई विल बी डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स गेटिंग। तो कल के लेक्चर मैंने क्या क्या डिस्कस किया था, क्या आप कुछ मुझे रिमाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या बताया था, अगर कुछ याद है तो बताइए। ये मानकर चलिए कि मैं सामने हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए क्या क्या पढ़ाया था मैंने। वेरी गुड, रिमाइंड योर सेल्फ। कल मैंने यही बताया था कि आप अगर चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड स्पीकर, तो आपको बहुत सारी चीजें को ध्यान देना पड़ेगा। कल मैंने यही बताया था कि सपोज दैट कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा, बताइए। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ग्रामर, वेरी गुड, मीन्स यू शुड हैव अ वेरी गुड ग्रामर, मीन्स एटलीस्ट इफ यू स्पीक हाफ एन आवर दैट एटलीस्ट यू हैव टू स्पीक 98% करेक्ट ग्रामर। दूसरा क्या बताया था, जल्दी बताइए फटाफट। दूसरा मैंने बताया था, रिमाइंड करिए प्लीज टेल मी, वेरी गुड। दूसरा मैंने बताया था कि इफ यू नो ग्रामर, इफ यू ग्रामर इज गुड देन योर प्रोनंसिएशन शुड बी गुड। क्या बताया था, ये चार चीजें मैंने बताया था, फटाफट बता दीजिए जल्दी करिए, 4 से 6 चीजें बता दें, बहुत अच्छी अच्छी बताया था। अब तीसरा मैंने बताया था, दूसरा बताया था प्रोनंसिएशन,
Your grammar is very good, but your pronunciation is not good. Nobody will like to listen to your English. Your English will not be up to the mark. थर्ड क्या बताया था, जल्दी बताइए. थर्ड मैंने बताया था यू मस्ट हैव फ्लुएंसी, स्पीड होनी चाहिए 50 टू 60 वर्ड्स पर मिनट. चौथा क्या बताया था, जल्दी रिमाइंड करिए, बताइए मुझे, प्लीज टेल मी. ओह दैट्स ग्रेट. चौथा मैंने बताया था वर्ड पावर, राइट. और उसमें क्या बताया था, वर्ड हो तो पावर हो, राइट. ओके, अब उसके बाद क्या मैंने बताया था, बताइए जल्दी करिए, एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे पर भाव हो. अगर आप खुश हैं तो खुशी के भाव हों. फिर क्या मैंने बताया था, बॉडी लैंग्वेज बताया था ना, वेरी गुड. फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने, एनर्जी, कि अगर एनर्जी नहीं है नोबडी विल लाइक टू लिसन यू, तो यू नीड मोर एंड मोर एनर्जी. तो ये बातें मैंने फर्स्ट लेक्चर की थोड़ी सी समराइज करना चाहा. और आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल. क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज जो है ये स्किल बेस्ड है. क्या है, स्किल बेस्ड. तो लैंग्वेज स्किल के अंतर्गत हम चार चीजों का अध्ययन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा. और आई एम क्वाइट श्योर फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर अगर अच्छे से समझ में आ गया तो मैं दावा करता हूं, आई कैन गिव यू गारंटी कि आधी अंग्रेजी आपको आ गई. ऑलराइट, कैसे. अब देखिए, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे पहले क्या बात देनी है, ध्यान देनी है, एल आई एस टी ई एन आई एन जी, लिसनिंग. लिसनिंग का मतलब आप जानते हैं कि सुनना होता है. मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए, सुनना, राइट, लिसनिंग. तो आई विल टेल यू गाइस कि लिसनिंग क्यों जरूरी है, व्हाई लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट. कहते हैं ना कि ओनली अ गुड लिसनर, ध्यान से सुनिएगा, ओनली अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर. केवल एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है. अगर आज भी मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता हूं तो केवल एक ही चीज की देन है कि आई स्टार्टेड लिसनिंग एवरीवन सीरियसली एंड सिंसियरली, राइट. तो मैं जब भी कोई अंग्रेजी बोलता था तो मैं उसको बहुत ध्यान से सुनता था, राइट. तो इफ यू, अब देखिए क्यों जरूरी है, मैं आप एक को एक फिगर बना के समझाना चाहूंगा. जैसे एक मैं आपको एक बकेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये एक बाल्टी है. आई एम नॉट वेरी गुड पेंटर गाइस. तो अब एक बाल्टी है, राइट, और एक यहाँ पे हैंडपम्प मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ टेम्परेरी, राइट. तो आप ये बताइए कि ये जो सॉरी हैंड पाइप है, राइट, जैसे अब ये मान लीजिए ये बकेट जो है, जिसे आप लोग बकेट कहते हैं, बी यू सी के ई टी, राइट, ये बकेट है आपका. अब देखिए बकेट का नेचर क्या है कि जैसे जैसे इसमें पानी भरेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे इसमें पानी भरेगा. तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अगर आपकी बात करूं तो भाई बिफोर इट आप अंग्रेजी नहीं ज़्यादा सुन रहे थे, राइट, यू आर नॉट गेटिंग चांस टू स्पीक. आज से आपको क्या मौका मिल गया, सुनने का मौका मिला, यू आर लिसनिंग इंग्लिश, राइट. इसका मतलब यह है कि इससे पहले हमारा माइंड फुल ऑफ इंग्लिश वर्ड्स नहीं था, इससे पहले फुल ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस नहीं था हमारा माइंड. और आज क्या करना है, अब हम अपने माइंड में ढेर सारे इंग्लिश आपके डालेंगे, रोज हम आपको अंग्रेजी सुनाएंगे, पर डे, राइट, एवरी लेक्चर, यू अटेंड माई एवरी लेक्चर, हर लेक्चर में हम आपको अंग्रेजी सुनाएंगे और आपका माइंड अपने आप भरने लगेगा, राइट. तो अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि ये बकेट जो है ये क्या है, हमारी माइंड है, राइट. अब ये जो वाटर आपको दिख रहा है ये हमारी क्या है, लैंग्वेज है, ये हमारी लैंग्वेज है. जाहिर सी बात है कि अब जैसे ही हमारा ये बकेट भर जाएगा तो आप जानते हैं बकेट भरने का मतलब होता है, जैसे कि इफ आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे, इफ आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे एंड यू आर लिसनिंग इंग्लिश एवरी डे, यू लिसन इंग्लिश एवरी डे, यू लिसन इंग्लिश एवरी डे, आप बताइए आपका माइंड भरेगा कि नहीं इंग्लिश से, भरेगा ना, बिल्कुल भरेगा. तो जब माइंड इंग्लिश से भर जाएगा तो फिर आप अगला क्या होगा, जाहिर सी बात है ये फ्लो करेगा. बोलिए फ्लो करेगा कि नहीं, बोलिए स्पीक, विल इट फ्लो, यस इट विल फ्लो. अब ये क्या करेगा, बाहर फेंकेगा. कई बार लोग कहते हैं ना, सुनते सुनते मेरा कान पक गया है, मतलब सुनते 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 मेरा दिमाग भर गया है, नाउ आई विल ब्लास्ट.
अब आप रोज अंग्रेजी सुनेंगे. इफ यू लिसन माय इंग्लिश, इफ यू लिसन इंग्लिश न्यूज, इफ यू लिसन राइट योर टीचर्स, इफ यू लिसन इंग्लिश कमेंट्री, आपका माइंड भरने लगेगा. भरते भरते फिर वो क्या करेगा, फ्लो करने लगेगा. इसलिए बी अ गुड लिसनर, बहुत अच्छा लिसनर बनिए आप. अगर आप अच्छा लिसनर नहीं बनेंगे, अच्छा स्पीकर भी नहीं बन सकते. दिस इज माई गारंटी, राइट? ओके, तो कहने का मतलब ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो यू शुड लिसन केयरफुली. आपको यू शुड लिसन मी हाउ आई एम स्पीकिंग, यू शुड लिसन हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग, यू शुड लिसन इंग्लिश न्यूज, हाउ दे आर स्पीकिंग, हाउ दे आर रीडिंग न्यूज, राइट? इन सारी चीजों को आपको अच्छे से सुनना है, राइट? और साथ में सुनते समय यह भी ध्यान देना है कि वो किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं. ईच एंड एवरी थिंग यू हैव टू टेक केयर. गेटिंग माई पॉइंट्स? अब वन थिंग मोर कि दैट लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट. लिसनिंग में आप क्या क्या करिए, मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूं कि सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप अपने टीचर को सुनिए. फर्स्ट पॉइंट बता दे रहा हूं, लिसन टू योर टीचर. ठीक है, आप अपने टीचर को सुनिए. फर्स्ट यू लिसन मी एंड लिसन योर फ्रेंड्स, लिसन इंग्लिश कमेंट्री, लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स. जितने तरीके से आप इंग्लिश सुन सकते हैं उतने तरीके से अंग्रेजी सुनने की कोशिश करिए. मेरी बात को समझ रहे हैं आप? ज्यादा से ज्यादा इफ यू लिसन मोर डेफिनेटली यू विल बी फ्लुएंट मोर. नॉलेज लेवल विल इंक्रीज, योर माइंड विल बी फुल ऑफ इंग्लिश वर्ड्स. गेटिंग माई पॉइंट्स? अब गाइज, लिसनिंग के बाद दूसरा पॉइंट जो आता है दैट इज स्पीकिंग. क्या आता है? स्पीकिंग, राइट? स्पीकिंग मीन्स क्या होता है? बोलना. बट अगर मैं कहीं लिखा हुआ मिल जाए अंग्रेजी सुनना सीखिए, कोई नहीं आएगा. लिखा क्या रहता है? अंग्रेजी बोलना सीखिए, राइट? लेकिन क्या आपको लगता है केवल अंग्रेजी बोलना सीखना है? नहीं, यू हैव टू लिसन फर्स्ट, यू हैव टू लिसन एवरीवन एंड देन यू विल हैव टू स्पीक. गेटिंग? ऑलराइट, तो स्पीकिंग मतलब होता है बोलना. जैसे मैंने कहा सुनने के लिए बहुत जरूरी है आप वेरियस रिसोर्सेज से सुने, वैसे स्पीकिंग के लिए भी बहुत जरूरी है. कि पहला पॉइंट तो मैं आपको बता दूं कि स्पीक इन हाई टोन. कैसे बोलेंगे आप? स्पीक इन हाई टोन. जैसे मैंने कहा था कि शेर की तरह, स्पीक लाइक अ लायन, रोर लाइक अ लायन. द मोमेंट यू ओपन योर माउथ everyone can understand easily that you are really a good speaker, right? Speak in high tone का मतलब ये नहीं कि इतना तेज बोल दीजिए कि भाषा आपके नीरस हो जाए, ऐसा नहीं करना है. Speak in high tone का मतलब कि whatever you say, whatever you speak, everyone can understand easily. Getting me? Everyone can understand easily. All right. So speak in high tone. अब साथ में और किस बात का ध्यान देना है कि आपको बोलते समय एक्सप्रेशन का भी ध्यान देना होगा. जैसा मैंने आपको कल समझाया था, एक्सप्रेशन का मतलब कि चेहरे पर आपके वो भाव आना चाहिए, राइट? अगर आप कह रहे हैं कि अब मान लीजिए आप कह रहे हैं आई एम है, आप कह रहे हैं आई एम हैप्पी, कौन मानेगा आप हैप्पी हैं? स्माइल के साथ बोलिए, हेलो एवरीवन, आई एम वेरी हैप्पी, राइट? मतलब चेहरे पर स्माइल आना चाहिए. जो शब्द आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं उस शब्द के साथ यू हैव टू ब्रिंग आउट एक्सप्रेशन. आपको एक्सप्रेशन भी निकालना होगा, राइट? ओके, अब एक्सप्रेशन के साथ स्पीक इन हाई टोन, ब्रिंग आउट एक्सप्रेशन एंड स्पीक विथ करेक्ट प्रोनंसिएशन. ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजों को आप लिखते भी चलिएगा. स्पीक विथ करेक्ट प्रोनंसिएशन, इस बात का भी ध्यान देना है कि व्हेन यू स्पीक, स्पीक विथ करेक्ट प्रोनंसिएशन. उच्चारण आपका सही होना चाहिए. साथ ही साथ में आपको और किन बातों का ध्यान देना होगा कि व्हेन यू स्पीक, स्पीक विथ करेक्ट ग्रामर. मतलब एटलीस्ट व्हेन एवर यू स्पीक, डोंट स्पीक वेरी फास्ट. गाइज, एज अ लर्नर आप स्पीक स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली यू स्पीक. डोंट ट्राई टू स्पीक वेरी फास्ट, क्योंकि जैसे ही आप जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे
आप ढेर सारी गलतियां भी करना शुरू कर देंगे, राइट? तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है कि स्पीक इन हाई टोन, स्पीक विद एक्सप्रेशन, स्पीक विद करेक्ट प्रोनंसिएशन एंड स्पीक विद करेक्ट ग्रामर। इन सारी बातों का जब आप ध्यान देंगे और स्पीक विद एनर्जी, आप बोल तो बहुत अच्छा रहे हैं, एनर्जी लेवल एकदम डाउन है, नोबडी विल लिसन यू। गेटिंग माय पॉइंट्स? अब अगली बात मैं करूं आपकी कि अब जैसे ही आप अच्छी इंग्लिश सुनेंगे तो नो डाउट अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। अरे आप बताइए, इफ यू लिसन स्टैंडर्ड इंग्लिश, इफ यू लिसन स्टैंडर्ड इंग्लिश मॉर्निंग टिल इवनिंग, आई एम क्वाइट श्योर यू विल स्पीक स्टैंडर्ड इंग्लिश, राइट? क्योंकि अगर बाल्टी में आप अगर मिल्क डालेंगे तो मिल्क का फ्लो होगा, अगर आप बाल्टी में बकेट में डर्टी वाटर डालेंगे तो फ्लो भी किसका होगा? डर्टी वाटर का फ्लो होगा, एम आई राइट? तो फ्लो का दोष नहीं होगा, गेटिंग? चलिए, ऑलराइट। अब देखिए क्या है कि थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, और फिर उसके बाद आपका आता है आर ई ए डी आई एन जी, रीडिंग। रीडिंग मीन्स क्या होता है आप जानते ही हैं, पढ़ना। गेटिंग? अब अगर आपको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी आने का मतलब ये नहीं कि बोले मुझे अंग्रेजी आता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं कहते हैं सर मैं अंग्रेजी लिख लेता हूँ, मैं अंग्रेजी सर पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता। भैया क्या मतलब है? जब आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो और बोल नहीं सकते हो, दैट इंग्लिश इज यूजलेस, उस अंग्रेजी का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि अगर आपको अंग्रेजी आए, इफ समबडी इज स्पीकिंग यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू हैव टू राइट समथिंग यू कैन राइट समथिंग, इफ यू हैव टू स्पीक यू कैन स्पीक, एंड इफ समबडी सेइंग टू रीड यू कैन रीड। तब तो पता चलेगा आपको अंग्रेजी आती है, नहीं तो कोई मानेगा ही नहीं आपको अंग्रेजी आती, राइट? तो रीडिंग भी बहुत जरूरी है, राइट? अब मैं आपको एक क्लू बता देता हूं कि इफ यू रीड हाफ एन आवर डेली इन हाई टोन, आप अगर आधे घंटे बोल करके रोज पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपकी एकदम सही हो जाएंगी, बहुत सारी सही चीजें हो जाएंगी। देखिए आपकी पहले से तो एक्सप्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट? साथ में आपकी प्रोनंसिएशन बहुत अच्छी हो जाएगी, साथ में आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब इफ यू रीड then all things will be improved automatically. So guys, मैं आपसे एक request भी करता हूँ, साथ में request नहीं मानिए तो order भी देता हूँ कि आप एक काम करिए, आधे घंटे बोल करके, चाहे newspaper, चाहे कोई भी magazine, चाहे आप अपना अगर आपका subject English में सब कुछ लिखा है तो उसको बोल करके पढ़िए। आप केवल आधे घंटे बोल कर पढ़िए in high tone, देखिए कितना फ़ायदा होता है। बोल करके आप repeat करके मुझे message के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। फायदा हो तो जरूर बताइएगा, मैसेज करिएगा और जरूर हमें रिपोर्ट करिएगा, और अगर नहीं फायदा हुआ तो नुकसान भी बता दीजिए कैसे क्या नुकसान हुआ, राइट? चलिए, तो रीडिंग मतलब होता है पढ़ना। तो रीडिंग में भी वही बहुत सारी चीजें कॉमन है, क्या कि मैं बोलूंगा कि भाई रीड इन हाई टोन, बोलिए तो पढ़िए, जब आप तो बोल कर पढ़िए। फिर मैं बोलूंगा भैया रीड विद एक्सप्रेशन, ठीक है, रीड विद करेक्ट प्रोनंसिएशन, एंड व्हेन यू रीड टेक केयर ऑफ योर ग्रामर ऑल्सो। क्योंकि अगर क्वेश्चन से मान ले ग्रामर में किन बातों का ध्यान देना है, रीडिंग करते समय अगर क्वेश्चन मार्क है, राइट, व्हाट आर यू डूइंग, अरे भाव तो आना चाहिए व्हाट आर यू डूइंग, डल नहीं होना चाहिए व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू सेइंग, राइट? एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो भी भाव आना चाहिए, फुल स्टॉप है तो रुक जाना है, थोड़ा सा वहां पर पॉज देना है, इन सारी बातों का भी ध्यान, कामा कहाँ लगेगा, सेमी कॉलन कहाँ लगा है, किस लिए लगा है, इन बातों का भी आपको रीडिंग करते समय ध्यान देना होगा। आई एम क्वाइट श्योर आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ, ठीक? तो रीडिंग में भी बहुत सारे चीज़ों का ध्यान देना है, रीड एज मच एज यू कैन। अब फोर्थ में बात करता हूँ आपकी राइटिंग। राइटिंग मीन्स क्या होता है? लिखना होता है। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, कहते हैं रीडिंग जो है एक इंसान को परफेक्ट बनाती है, लेकिन राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब यह है कि राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो बहुत कम होगी,
और रीडिंग रीडिंग के लिए बहुत जरूरी गाइस कि सपोज दैट कि अगर आपने 10 पेज पढ़ा राइट और उसको आपने चीजों को समराइज करके 2 पेज में लिख लिया, इसका मतलब जो नॉलेज आपने बुक से लिया था वो सारी नॉलेज को आपने क्या किया, समराइज कर दिया। एंड नाउ इफ इट इज नीडेड, अगर अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप बड़े आराम से बोल देंगे। एम आई राइट? सो दैट्स राइट। तो अब देख लेते हैं कि राइटिंग मतलब होता है लिखना, राइट? तो कहते हैं कि रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। तो रीडिंग बहुत जरूरी है, साथ साथ में राइटिंग जरूरी है। और रीडिंग राइटिंग से फायदा क्या होता है गाइज, एज अ लर्नर मैं बताऊं आपकी, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग तो मैं भी क्या करता था कि आई स्टार्टेड राइटिंग। आप एक अच्छे राइटर बनिए, आई थिंक एज अ लर्नर आप कभी जब भी बैठिए अपने कमरे में, जैसे ये मान लीजिए क्लासरूम है, ये हमारा स्टूडियो है, तो हम ये कह सकते हैं स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट राइटिंग अबाउट दिस स्टूडियो, राइट? इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टूडियो, राइट? एंड देयर इज अ सोफा एंड देयर इज अ कैमरा एंड एसी इज इंस्टॉल्ड हियर, राइट? टू ट्यूबलाइट्स आर हियर, कैमरा इज इंस्टॉल्ड हियर, एम राइट रॉन्ग? इट मीन्स दैट वट एवर यू सी यू स्टार्ट राइटिंग, वट एवर यू सी आउटसाइड स्टार्ट राइटिंग। तो इफ यू राइट मोर एंड मोर देन ऑटोमेटिकली योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव्ड, राइट? अब इंग्लिश अगर आप रोज लिखेंगे, मान लीजिए आप आधे घंटे या आपने 2 पेजेस, 2 पेजेस अगर आपने लिखना शुरू कर दिया पर डे आई एम टॉकिंग, तो डेफिनेटली आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी। कहते हैं ना, अ गुड हैंड राइटिंग इज अ सिंबल ऑफ गुड इंटेलिजेंट पर्सन, राइट? अच्छी हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग इज अ सिंबल ऑफ योर इंटेलिजेंस, आप कितने इंटेलिजेंट है। कई बार देखिए कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं साथ में उनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है, तो सोने पे सुहागा। ऑलराइट? कुछ बच्चे बिकॉज ऑफ बैड हैंड राइटिंग, काकोग्राफी की वजह से क्या होता है, उनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, राइट? तो अब मैं ये कहूँगा कि राइटिंग के लिए भी अगर आप लिखेंगे तो उससे राइटिंग से भी देखिए सारे फायदे वही होंगे, बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होगी, और सबसे जो बड़ा फायदा होगा मैं आपको बता दूँ, ये होता है कि आपका थॉट प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा, थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस का मतलब आपके सोचने समझने की क्षमता बहुत तेजी से डेवलप होती है। अग्री विथ मी? तो इसी तरह से आपको इन सारी चीजों पर काम करना है, और यू वर्क गाइज सिंसियरली एंड सीरियसली एंड आई एम क्वाइट श्योर कि योर इंग्लिश विल बी इंप्रूव्ड, दिस इज माय गारंटी। अब देखिए, अब अगर आपको अंग्रेजी बोलना आता है तो जरूरत पड़ेगी तो आप जो भी कोई बोलेगा, सपोज दैन अमेरिकन स्टार्टेड स्पीकिंग, इवन इफ ही स्पीक्स वेरी फास्ट यू कैन अंडरस्टैंड, आप बहुत आसानी समझ सकते हैं, राइट? इफ इट इज नीडेड यू कैन स्पीक विद देम, यू कैन स्पीक इजली, इफ इट इज नीडेड यू कैन रीड वेरी इजली, एंड इफ इट इज नीडेड यू कैन राइट वेल। आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे फॉरेन कंट्री में काम करना चाहते हैं या फॉरेन कंट्री के यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, उनका एक एग्जाम होता है IELTS का, इंटरनेशनल है ना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो वो जो बच्चे इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, जो सारे बच्चे अच्छी इंग्लिश समझ सकते हैं, अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, अच्छी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं, वो बच्चे फॉरेन कंट्री में काम कर सकते हैं। एंड आई विल टेल यू गाइस कि अच्छी इंग्लिश जानने और न जानने में कितना अंतर होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको मैं समझाना चाहूँगा कि अगर हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो आप ये मानकर चलिए, मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा कि 6 to 8,000 की नौकरी मिलती है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे भी हो सकता है, ये कोई मैं डेडलाइन नहीं लिख रहा हूं, बट आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस। इफ यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश, इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक वेल, तो आपको 6 to 8,000 की नौकरी मिलेगी गाइज। Or if you can speak well, one more zero will be added. एक और zero add हो जाएगा, right? मतलब you will be able to earn up to 60 to 80,000 rupees. आप सोच लो बच्चे, आप सोच लो guys कि एक zero का अंतर आ जाता है,
राइट। तो गाइस परिस्थितियां कैसी भी हों, चीजें कैसी भी हों, लर्निंग को आप कंटिन्यू रखिए, मेहनत करिए, आई एम क्वाइट श्योर रिजल्ट विथ यू, राइट। सो गाइस मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूं एंड आई विल बी हेल्पिंग यू, आई विल बी कोऑपरेटिंग यू। फिलहाल जैसे मैं कहता हूं वैसे आप करते जाइए। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे ऑल एंड टेक केयर ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।